नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम लोग एक विज्ञान का टॉपिक है, मतलब जो साइंस का विज्ञान का एक टॉपिक लेंगे हम लोग आपके पास, यानी कि कोशिका। और कोशिका के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग देखेंगे। पहले कोशिका देखते हैं कि कोशिका की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसने दिया था, कोशिका की डिस्कवरी किसने किया था। तो आइए देखते हैं ना। यस नाउ अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपके पास, यानी कि कोशिका की, किसकी मैं बात करता हूँ आपके पास, यानी कि कोशिका की। कोशिका इसका मतलब है सेल। क्या है आपके पास, यानी कि सेल। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी धरती के अंदर आपके पास, धरती के ऊपर जितने भी आपके पास यानी कि जीव है, चाहे वो प्लांट होगा या चाहे वो आपके पास एनिमल होगा, चाहे वो पादप है, चाहे वो आपके पास यानी कि जंतु है, तो पादप और जंतु ये दोनों ही बेसिकली किसी न किसी चीज से तो मिलकर बना होगा। और जिस छोटी इकाई यानी कि एक मौलिक इकाई से मिलकर बना होगा, उस मौलिक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, या उस मौलिक फंडामेंटल यूनिट को बी कॉल्ड सेल। तो बेसिकली ऑल ऑर्गेनिज्म, जितनी भी आपके पास यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जंतु है, जीव है, ये सभी चीज किसी आपके पास यानी कि एक छोटी इकाई से मिलकर बनी है, और उस इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका क्या आपके पास, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। क्या आपके पास, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है, इकाई मौलिक इकाई, वो क्या है आपके पास, यानी कि कोशिका है। तो जीवन की मौलिक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका बोलते हैं। अब देखिए कि ये जो मैंने कहा आपके पास यानी कि कोशिका, तो हमसे ये बोला जाएगा कि कोशिका क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई मतलब सेल क्या है, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल है क्या, तो सेल बेसिकली देखिए एक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है आपके पास, यानी कि ये दो टर्म आपको याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अगर किसी चीज का एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, प्लस वो आपके पास यानी कि क्रियावंत है, वो क्रिया करती है, तो डेट इज कॉल्ड सेल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेल होता क्या है, तो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि जो सेल है, वो सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी थी या जो सेल की खोज थी, वो किसने किया। तो सेल की जो आपके पास यानी कि कोशिका की, अगर मैं बात करता हूं आपके पास यानी कि कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज आपके पास यानी कि रॉबर्ट, किसने आपके पास यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था इन्होंने आपके पास, यानी कि 1665 में। और इन्होंने तो जो रॉबर्ट हुक था, इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किया, मतलब सेल की खोज की। और इन्होंने जो सेल की खोज किया किसमें किया था, तो हमारे पास जो प्लांट होता है, हम लोग देखते हैं कि आपके पास यानी कि हमारे पास क्या है, पादप। क्या होता है बेटा, पादप। और इस पादप का जो आपके पास यानी कि बार्क होता है, जो हमारे पास प्लांट है, तो प्लांट का जो बार्क होता है, मतलब जो इसकी बाहरी परत होता है, मतलब जो बार्क क्या होता है आपके पास यानी कि प्लांट की बाहरी परत, जो बाहरी आपके पास यानी कि परत होती है, तो इस परत दैट इज कॉल्ड आपके पास। और इस परत को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क लिया यानी कि प्लांट का बार्क यानी कि बाहरी परत को लिया, जिसको आप लोग छिलका भी बोलते हैं, लेकिन वो एक अलग होता है, बट बार्क वी कैन यूज से द टर्म कॉर्क। तो बाहरी परत और उस परत को बेसिकली इन्होंने अपने द्वारा, जो रॉबर्ट हुक था, इन्होंने एक क्रूड माइक्रोस्कोप, क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड माइक्रोस्कोप इन्होंने एक बेढंगा, क्रूड का मतलब बेढंगा सूक्ष्म दर्शी बनाया, और इन्होंने सेल्फ मतलब खुद ही बनाया। और जब इन्होंने खुद बनाया और उसकी मदद से इन्होंने कॉर्क यानी जो पेड़ की जो बाहरी परत है उसको देखा, और जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने उसको क्या दिखाई दिया, इस माइक्रोस्कोप की मदद से जब उन्होंने देखा, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से देखा स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स थे, ये इस तरीके से आपके पास यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स इनको दिखाई दिया। तो इस स्ट्रक्चर्स में इन्होंने दो चीजें देखा, ये आपके पास, इस तरीके से इन्होंने आपके पास यानी कि उस प्लांट के अंदर आपके पास यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स देखा, और ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही आपके पास यानी कि अच्छा दिखाई दे रहा था। अगर आप लोग भी देखेंगे, इस स्ट्रक्चर्स को देख रहे होंगे, तो आपको भी लगेगा कि ये कैसा लग रहा है, जिस तरीके से हमारे घरों की जो दीवार होती है और उस दीवार की जो ईंटें होती है, उसी ईंटें की भांति आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
तो ये एक ईंट की तरह, एक दीवार की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये लग भी रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि ये दीवार है, लेकिन वास्तव में ये दीवार नहीं है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, ये बेसिकली आपके पास यानी कि कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो ये एक दीवार की तरह लग रहा है हम लोगों को, तो ये कोशिका है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इस आपके पास यानी कि संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। और कोशिका के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म को या तो मैं इसको क्या बोलता हूं आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म, क्या बोलती हूँ, साइटोप्लाज्म, या इसको मैं बोल सकता हूं कोशिका द्रव्य। क्या बोल सकता हूं आपके पास यानी कि कोशिका द्रव्य। तो ये तो कोशिका द्रव्य हो गया, और ये जो आपके पास यानी कि बहुत हैवी डॉटेड है, दैट इज कॉल्ड आपके पास न्यूक्लियस। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं, या इसको केंद्रक भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या होता है आपके पास यानी कि कोशिका की केंद्रक होती है। तो जो रॉबर्ट आपके पास यानी कि हुक था, सबसे पहले इन्होंने सेल की आपके पास कोशिका की डिस्कवरी किया था, और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए क्रूड माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से ये जो प्लांट है, इस प्लांट की आपके पास यानी कि कोशिका का आपके पास यानी कि संरचना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। और जब इन्होंने देखा तो देखा कि ये कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण कोशिका है। क्या? अपने आप में एक संपूर्ण कोशिका है। तो इन्होंने देखा, और ये जो बाहर आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वी कैन से दैट, या आप इसको बोल सकते हैं कि झिल्ली। क्या बोल सकते हैं आपके पास? झिल्ली बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर झिल्ली भी लिख सकते हैं आपके पास, ये झिल्ली है, या हम ये बोल सकते हैं आपके पास यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास इन्होंने इस तरीके से देखा और डिफाइन किया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्लांट का, जब हम लोग सेल की बात करेंगे कि सेल दो प्रकार का होगा, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, बट जनरली मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। तो अब रॉबर्ट हुक ने तो ये बात अपनी कह दिया, लेकिन उसी टाइम पर क्या हो गया आपके पास यानी कि 1839, दैट इज आपके पास यानी कि कोशिका की सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत की बात करेंगे हम लोग आपके पास यानी कि सबसे पहले जो सेल थ्योरी था, यानी कि कोशिका का सिद्धांत कहने का मतलब मेरा सेल थ्योरी, कि सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया था, मतलब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले आपके पास यानी कि मैथ्यू सिलेडन और थ्यूडोर आपके पास यानी कि स्वान, दे आर बेसिकली, द वन इज अ बॉटनिस्ट एंड अनदर वन इज अ जूलॉजिस्ट, एंड दे आर फ्रॉम द जर्मन एंड ग्रीक एज वेल। सो व्हाट हैपन, तो हमारे पास यहाँ पे दो आपके पास यानी कि साइंटिस्ट है, एम आपके पास यानी कि सिलेडन, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आपके पास कि ये जो सिलेडन है आपके पास यानी कि सिलेडन, और दूसरा जो साइंटिस्ट है हमारे पास आपके पास टी आपके पास यानी कि स्वान। तो इन दोनों ने बेसिकली मिलकर आपके पास यानी कि सेल थ्योरी की बात किया। तो एम आपके पास यानी कि मैथियस सिलेडन एंड स्वान, दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर कोशिका का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? कोशिका का सिद्धांत देते हैं। इन्होंने 1839 में और इन्होंने 1839 में बेसिकली ये बात कहा। और क्योंकि ये दोनों ही साइंटिस्ट जो थे वो बेसिकली एक पादप कोशिका की खोज कर रहे थे और पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे थे आपके पास यानी कि सिलेडन, और दूसरा जो वैज्ञानिक है जो स्वान है वो बेसिकली आपके पास जंतु कोशिका की स्टडी कर रहे थे या जंतु की स्टडी कर रहे थे क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे, और दूसरा आपके पास यानी कि जो सिलेडन था वो आपके पास बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो बेसिकली पादप का अध्ययन करते हैं, पौधों की अध्ययन करते हैं, दे आर नोन एज बॉटनिस्ट। एंड द अनदर हैंड आपके पास यानी कि द स्वान, द वन हु इज स्टडिंग, जो अध्ययन कर रहे थे आपके पास जंतुओं का, तो उन्हें जूलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अपने आप में ये भी सवाल हो जा सकता है कि बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है। तो बॉटनी के अंदर पादप पौधों का अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी के अंदर जानवरों का, मतलब आपके पास जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपके पास इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया, क्योंकि एक आपके पास यानी कि पादप और दूसरा आपके पास यानी कि जंतु की का अध्ययन कर रहे थे, मतलब इन कोशिका के अध्ययन कर रहे थे ना। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है कि जितने भी आपके पास, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जानवर हो आपके पास यानी कि जंतु हो, चाहे आपके पास प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, एक बात तो इनके दिमाग में आ गया था या बैठ गया था कि सभी जो जीव है वो बेसिकली किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। इन लोगों को यह बात समझ में आ गया था। तो इन लोगों ने यह पहली बात बोल दिया कि सभी जो जीव है, मतलब सेल थ्योरी बताती क्या है, कोशिका का सिद्धांत क्या बताता है हमारे, कि सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, मतलब सेल इज को
कोशिका से बने होते हैं। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि जितने भी जीव हैं वो किससे बने होते हैं, कोशिका से। मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, कंपोज ऑफ सेल्स और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव का जो जीवन है वो स्टार्ट किससे होता है, दैट इज कॉल्ड कोशिका। और मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप बोलेंगे ऑफ कोर्स वी हैव फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द 9th 10th 11th 12th और दोज हु आर इन द नीड, दोज हु आर स्टडी द मेडिकल साइंसेस, द नो दैट द सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड जायगोट एंड इन द हिंदी आई एम नॉट श्योर बट युग्मनज वी कैन से दैट द लाइफ स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो सबसे पहला जो कोशिका होती है जहां से लाइफ स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड जायगोट। और ये जायगोट बनता क्या कब है आपके पास, जब यहां पर दो, एक आपके पास यानी कि मेल गैमिट और दूसरा आपके पास फीमेल गैमिट। तो जब आपके पास मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो जब फ्यूज होता है तो आपके पास ये क्या बनाता है, दैट इज कॉल्ड जायगोट और हिंदी में वी कैन से युग्मनज। और जायगोट के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो के बाद आपके पास यानी कि बॉडी, दैट इज अनदर प्रोसेस वी कैन स्टडी लेटर ऑन बट वी नीड टू सी फॉर शेयर द सीलिड एंड सो ऑन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी बट द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी इज गिवन बाय द रिडॉल्फ विर्चो। व्हाई, बिकॉज इन लोगों को यह तो पता चल गया कि सेल थ्योरी में कि सभी जीव जो है वो सेल से मिलकर बने हुए, बट दे वर नॉट श्योर दैट एक्चुअली कि सेल, नया सेल कैसे बनता है, नई कोशिका कैसे बनती है। तो जो रुडोल्फ विर्चो, आई एम राइटिंग द नेम, द रुडोल्फ विर्चो स्टेट दैट ऑल यानी कि सभी नया कोशिका पहले से एग्जिस्ट करने वाली कोशिका पहले से बनी या उपस्थित कोशिका से बनती है। तो जो नया कोशिका होता है आपके पास यानी कि ऑल द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वी कैन से दैट। तो जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं किसी भी जीव का, वो आपके पास किससे बनती है, जो पहले से कोशिका है। और ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल है, अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जाहिर सी बात आपके पास जब लाइफ की बात करती है कि लाइफ का मॉलिक्यूल, लाइफ का सेल आपके पास यानी कि इन द चैप्टर इन द बिगिनिंग हाउ दिस यूनिवर्स इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स हाउ द लाइफ ओरिजिन ऑन दिस अर्थ एंड व्हाई द लाइफ इज फॉर्म्ड ओनली इन अर्थ नॉट अदर प्लैनेट नॉट अदर गैलेक्सी ऑन द इंटायर यूनिवर्स। एक्चुअली वी डोंट हैव सच मच साइंस डेवलप सो वी कैन सी दैट, बट ऑफकोर्स देर इज अ लाइफ इन द यूनिवर्स अदर एल्स ऑल्सो वी कैन से दैट। सो we are not going to discuss that one, but see the Rudolf Virchow, he formulated the final shape of the cell theory. So together the Seeler and Swan and Rudolf Virchow, they formulated the cell theory, जो कोशिका का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट है Seeler and Swan और आपके पास यानी कि Rudolf Virchow, तो इन तीनों ने मिलकर आपके पास यानी कि कोशिका को सिद्धांत कर दिया। और कोशिका का सिद्धांत जो कहता है वो एक ही बात कहता है आपके पास यानी कि दो स्टेटमेंट, नंबर वन कि सभी कोशिकाएं जो होती है, सभी जीव जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और नंबर टू आपके पास जो नया कोशिका बनता है वो पहले से उपस्थित कोशिका से आपके पास विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा आपके पास यानी कि नया कोशिका बनता है। नाउ द अनदर थिंग दैट इज आपके पास यानी कि न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो केंद्रक की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, तो सबसे पहले जो केंद्रक की खोज करते हैं उनका नाम आपके पास यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे आपके पास यानी कि रॉबर्ट आपके पास यानी कि ब्राउन, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल फर्स्ट आपके पास। एक्चुअली दैट इज द मटेरियल, द डेंस मटेरियल, ही सो द डेंस मटेरियल इन द न्यूक्लियस एंड सेल, एक्चुअली सॉरी द सेल, ही सो द डेंस मटेरियल इन द सेल एंड ही सेड द डेंस मटेरियल इज बेसिकली न्यूक्लियोइड एंड दैट इज लेटर ही कॉल्ड दिस पार्ट अ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले कोशिका के अंदर, केंद्र की डिस्कवरी करने वाले कोशिका के अंदर कौन था, रॉबर्ट ब्राउन। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग्स, नाउ वी सी द अदर रिलेटेड थिंग्स, दैट इज द नंबर वन दैट अभी तक जो रॉबर्ट हुक है ही डिस्कवर्ड द डेड सेल्स बिकॉज इन द प्लांट द बार्क इज ऑलरेडी डेड सेल्स बिकॉज द प्लांट इज अ रेमिनेंट पार्ट एंड दैट इज अ वेरी ब्राउन एंड डार्क एंड डेड सेल्स
और कोई भी कोशिका की डेथ तब होती है या हम उसे डेड सेल्स तब कहते हैं जब उस कोशिका के अंदर आपके पास डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होता। अगर किसी भी कोशिका के अंदर अगर कोशिका द्रव्य नहीं होगा तो अपने आप में वो जो कोशिका होगा आपके पास डेड होगा, या अपने आप में वो कोशिका मृत कोशिका हम लोग कह सकते हैं उसके उसको, अगर उसके अंदर अगर आपके पास यानी कि कोशिका द्रव्य नहीं होता है। नाउ द सेकेंड थिंग्स वी कैन सी दैट कि लाइफ सेल यानी कि द साइंटिस्ट नेम हु डिस्कवर्ड द लाइफ सेल, तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज किया था वो किन्होंने किया था, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आपके पास यानी कि एंटोन वॉन लुई वैन हुक आपके पास, और इन्होंने 18th century और वी कैन से एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century एट द टाइम ऑफ एडवांसमेंट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट दैट टाइम ही डिस्कवर्ड द लाइफ सेल दैट इज, एंड इन्होंने पानी के अंदर तैरता हुआ आपके पास यानी कि जू प्लैंकटन एक्चुअली ही डिस्कवर्ड द लाइफ सेल। तो लाइफ सेल की जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था आपके पास, एंटोन वैन लुई वैन हुक, लुई वैन हुक। तो इन्होंने लुई आपके पास यानी कि वैन वैन हुक, तो एंटोन वॉन लुई लुई वैन हुक, तो जो आपके पास ये लुई वैन हुक है इन लोगों इन्होंने आपके पास लुई वैन हुक इन्होंने आपके पास यानी कि सबसे पहले लाइफ सेल की डिस्कवरी किया था। किसका आपके पास यानी कि लाइफ सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन थे आपके पास, यानी कि एंटोन वॉन आपके पास यानी कि लुई वैन हुक, अगेन आई एम रिपीटिंग एंटोन वैन लुई वैन हुक ने जीवित कोशिका की खोज किया था, और इन्होंने पानी के अंदर आपके पास यानी कि वॉटर, इन्होंने वॉटर के अंदर देखिए बहुत सारे होते हैं, जो प्लैंकटन होता है फाइटोप्लैंकटन होता है तो बहुत सारे, तो जो प्लैंकटन है कि आपके पास स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एनिमल्स होता है, तो उनको इन्होंने देखा था पानी के अंदर, तो इन्होंने बेसिकली जीवित कोशिका की खोज किया था। नाउ अब हम बात करते हैं आपके पास ये तो रही आपके पास यानी कि सेल की जो हिस्ट्री ऐतिहासिक, तो यहाँ पर जो सेल की स्टडी का किया जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच विच स्टडीज द सेल द साइटोप्लाज्म द कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड द अनदर इज दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द टिश्यूज और वी कैन से दैट द अध्ययन जो हिस्टोलॉजी दैट इज कॉल्ड ऑतकी। तो ऑतकी क्या होता है जिसके अंदर आई एम राइटिंग, सो यहाँ पर अगर जो अध्ययन होता है कोशिका का तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन। तो अगर कोशिका का अध्ययन हम लोग करते हैं, कोशिका का अध्ययन जिस साइंस के विज्ञान के आपके पास यानी कि उसमें अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि साइटोलॉजी। एंड अनदर नेम दैट इज कॉल्ड, क्योंकि कोशिका से बनता क्या है, तो कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से आपके पास यानी कि अंग का आपके पास यानी कि विभिन्न विभिन्न आपके पास अंग का निर्माण होता है, और जब सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो बेसिकली एक बॉडी एक जीव का निर्माण होता है। वी कैन से दैट द सेल देन आफ्टर दैट टिश्यूज एंड आफ्टर दैट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड देन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, and this is the long process we need to see. So this is the one thing. Now the another things we can see that is a histology. What is called histology? Histology. So histology. What is called histology? Basically the studies of tissues. The study of tissues is called basically the histology. In Hindi we can say that uttak, or uttak का जो अध्ययन है उसको अर्थ की, तो histology को हम लोग अर्थ की भी कह सकते हैं, अर्थी की भी कहा जाता है। तो ऑतकी क्या होता है, जो उत्तक का अध्ययन किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑतकी। नाउ वी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोशिका। तो कोशिका की अगर बात करते हैं तो कोशिका जनरली दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। सो आई विल डिस्कस ऑल दिस मैटर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट व्हाटएवर यू लाइक।